नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विवेक। लेह लद्दाख में सड़क हादसे में घायल हुए सतना के जवान विवेक पांडे को हजारों नम आंखों में शनिवार को अंतिम विदाई दी गई। ससम्मान उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम करही कला में हुआ। अपने वीर सपूत को अंतिम दर्शन पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सतना जिले की कोटर तहसील अंतर्गत ग्राम करही कला के निवासी भारतीय सेना में जवान विवेक पांडे, जिनकी उम्र 26 वर्ष थी, उनके पिता का नाम रामलखन पटेल है, 19 अगस्त को लेह लद्दाख के कियारी के पास हुए हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया था, जहां विवेक ने गुरुवार को अंतिम सांस ली। सेना के जवान थे विवेक सिंह और सेना वाहन की घाटी में फिसलकर 60 फीट गहरी खाई में गिरने से 9 जवान पहले ही दिवंगत हो चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर विशेष वाहन से शनिवार की सुबह दिल्ली से उनके गृह ग्राम करही कला लाया गया। ग्राम करही कला में अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। विधायक रामपुर विक्रम सिंह बिक्की, कांग्रेस के नेता राम शंकर प्यासी, मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण तिवारी समेत सैकड़ों लोगों ने नम आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। करही के लाल को मुखाग्नि उनके बड़े भाई आशीष पांडे ने दी। 6 माह पहले ही ज्वाइन किया था और दिसंबर में शादी होने वाली थी। विवेक के पिता रामलखन पटेल कर्नाटक में रहते हैं और पूजा पाठ का काम करते हैं। माँ रुक्मणी पांडे गृहिणी हैं। विवेक की 2 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि बड़े भाई आशीष खेती का काम करते हैं। विवेक 6 वर्ष पहले आर्मी ज्वाइन की थी और वे मेडिकल कोर में थे। विवेक का चचेरा भाई इंद्रमणि पांडे भी फौज में है और फिलहाल साउथ अफ्रीका में ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी शादी दिसंबर में होने वाली थी। 1 महीने पहले विवेक घर आए थे। परिजनों ने बताया कि हादसे वाले दिन विवेक ने फ़ोन पर माँ और बड़े भाई से बात भी की थी। बेटे का शव देखते ही चीख के साथ पूरे क्षेत्र में नम आँखों ने लोगों ने उनको विदाई दी। उनकी तबीयत खराब थी, लिहाजा उन्हें सिर्फ यही बताया गया था कि विवेक हादसे में घायल हुए थे। उनकी मां को अंतिम संस्कार की तैयारी भी उनसे छिपाकर की जा रही थी। टेंट वगैरह का सामान भी दूसरी जगह रखवाया गया था। शनिवार की सुबह जब पार्थिव शरीर करही कला पहुंचा तो बेटे का शव देखकर रुक्मणी चीख उठी। वे शव से लिपटकर रोती रहीं, बिलखती रहीं। घर गाँव की महिलाएँ उन्हें ढाढ़स बधाती रहीं। उधर पिता रामलखन भी सूचना मिलने पर शनिवार की सुबह ही करही पहुंचे और रो रो कर उनका भी बुरा हाल था। नम आँखों से तमाम लोगों ने उनको विदाई दी। क्षेत्र में पूरा गमहीन माहौल था। जो लोग भी पहुंच रहे थे शहीद हुए वीर सपूत को सलाम किया।